को पढ़ाऊंगा 3 सितंबर के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसरो ने भारत के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आपको बताना है किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था, किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। तो अब तक आप जान गए होंगे PSLV C-57 का इस्तेमाल किया गया था आदित्य L1 मिशन के लिए। आदित्य L1 मिशन जो है वो कितनी तारीख को लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2 सितंबर को। ये डेट भी याद रखिए, डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है डेट कि किस तारीख को लॉन्च हुआ था आदित्य L1, 2 सितंबर। और आप जानते हैं 23 अगस्त को हुआ था। 23 अगस्त को एक्चुअली चंद्रयान 3 जो है वो पहुंच गया था। तो इसलिए इस दिन को हम किस रूप में मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम 23 अगस्त को मनाएंगे। इज दैट क्लियर? इंडिया में, और जिस लोकेशन पे जो है वो गया था हमारा चंद्रयान, जिस लोकेशन पे, उसको शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे, जहां पे लैंडर उतरा था चंद्रयान का, ठीक है? तो उसे हम शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे। 40 दिन लगे थे चंद्रयान 3 को पहुंचने में, राइट? तो 23 अगस्त को वो लैंड किया था और नेशनल स्पेस डे हम मनाएंगे। तो शिव शक्ति पॉइंट हम उसे कहेंगे, एग्जैक्ट वो लोकेशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जहां पे वो उतरा था। क्लियर? ये ध्यान रखिए। और आदित्य L1 में और क्या चीज याद रखनी है आपको? आदित्य L1 मिशन करने के लिए इसरो का साथ किसने दिया? इसरो का जो साथ है, दो लैबोरेटरीज ने दिया। एक तो है IUCAA जो पुणे में है, ठीक है, और दूसरी है IIA जो बेंगलोर में है। अब ये IIA क्या है? IIA को बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। और एक है IUCA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। ये अंतर विश्वविद्यालय केंद्र किसके लिए? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए। ये पुणे में है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे। इन दोनों ने साथ दिया। और ये सूरज है और ये धरती है, ये सन है, ठीक है, सन। तो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है जिसको L1 बोलते हैं, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 है। ये धरती से 15 लाख यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक पॉइंट है धरती से। यहां पे ये आदित्य L1 को भेजा गया है और ये अब जो है चक्कर लगाता रहेगा और हमें सूरज के बारे में बहुत सारी कीमती जो इंफॉर्मेशन है वो देगा। अच्छा, ये L1 पॉइंट पे कितने दिनों बाद पहुंचेगा? जैसे हमने 2 सितंबर को लॉन्च किया तो 127 दिन के बाद पहुंचेगा ये, इसरो का अनुमान है। वैसे तो देखिए अंतरिक्ष में आप एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसरो ने का अनुमान है कि 127 डेज जो है उसके बाद ये यहां पे पहुंचेगा। और PSLV हमने इससे पहले C-56 मिशन किया था और PSLV C-55 भी हमने किया था। तो C-56 से हमने सिंगापुर का सैटेलाइट छोड़ा था DSSAR, और C-55 से हमने सिंगापुर के दो सैटेलाइट छोड़े थे। कौन कौन से हैं? एक तो है टीलियोस 2 और एक है लुमेलाइट 4। टीलियोस 2 और लुमेलाइट 4, राइट। एक बात और, ये जो इसे ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है यानी वैधशाला। बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका ये आदित्य L1 मिशन जो है ये कोई सूरज पे तो गया नहीं है, सूरज पे जाएगा तो जल जाएगा। ये सूरज के बहुत दूर रहेगा और नजर रखेगा, ऑब्जर्व करेगा। जो ऑब्जर्व करता है यानी देखता है उसे ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। तो ये इसरो की दूसरी ऑब्जर्वेटरी है। इसरो की जो पहली ऑब्जर्वेटरी थी वो थी एस्ट्रोसैट, जो उन्होंने 2015 में लॉन्च की थी। तो ये इसरो की दूसरी ऑब्जर्वेटरी मिशन है, एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है, ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने कहा है कि 15 अप्रैल का दिन, पहला बैशाख, इसको राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल। पहला बैशाख बंगाली नए साल को बोलते हैं। 15 अप्रैल को मनाया जाएगा और बंगाली नए साल के रूप में मनाया जाएगा। बंगाल का ये फाउंडेशन डे भी होता है, तो आंसर है पश्चिम बंगाल। और बंगाली जो हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, त्रिपुरा, झारखंड, असम, जिन भी राज्यों में बंगाली बहुत ज़्यादा हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं। और एक चीज़ और पश्चिम बंगाल की सरकार ने कही है, वो क्या? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गाना लिखा था जिसका नाम है बांग्लार माटी बांग्लार जोल, बांग्लार माटी बांग्लार जोल। इसे बंगाल की सरकार ने अपना ऑफिशियल सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है, अपना जो है आधिकारिक एक जो गीत है वो डिक्लेयर कर दिया है। इस बात का भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? वैसे वेस्ट बंगाल में जो शांति निकेतन है ना बीरभूम जिले में,
उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया आज सुबह सुबह, उसके बारे में खैर मैं आगे बात करूंगा। पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा पानी के स्रोत हैं, कितने हैं पश्चिम बंगाल में? सबसे ज्यादा है, बस इतना याद रख लो। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कहां पे है? साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना। पश्चिम बंगाल में अगर मैं बात करूं आपसे तो पानी के स्रोत यानी वाटर बॉडी सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में, और पश्चिम बंगाल में जो तालाब और रिजर्वोयर हैं यानी पॉन्ड्स एंड रिजर्वोयर वो भी सबसे ज्यादा हैं, और पश्चिम बंगाल में साउथ 24 परगना में। एक थर्मल पावर प्लांट है बकरेश्वर, ये बीरभूम में आता है। हमारे ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हिसाब से 205 थर्मल पावर प्लांट में ये पूरे इंडिया में नंबर वन आया है, और ये भी वेस्ट बंगाल में है। आपको ये भी बता दूं कि एक रेलवे लाइन बन रही है सिवोक से रंगपो तक, ये पश्चिम बंगाल को सिक्किम से जोड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है सिक्किम भी भारतीय रेलवे से जुड़ जाएगा। अभी तक सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जो रेलवे से नहीं जोड़ा गया है, तो सिक्किम भी अब रेलवे से जुड़ जाएगा। सिवोक रंगपो रेलवे लाइन बन रही है इसके लिए, क्लियर। और बंगाल की एक कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ये भेल कंपनी के साथ मिलकर वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है उनके डब्बे बनाएगी। कहाँ पे बनाएगी? अपने उत्तर पारा प्लांट में जो हुगली जिला बंगाल में आता है। और पश्चिम बंगाल ने 200 गज मित्र जो हैं उनको डिप्लॉय करा है, ये मानव हाथी संघर्ष को रोकेंगे। दो एलिफेंट रिजर्व है बंगाल में, एक का नाम है ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व और एक का नाम है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। हाल ही में गाय यात्रा उत्सव मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया? इसमें जो आपके निकट के रिश्तेदार हैं जिनकी डेथ हुई है पिछले साल में उनको याद करते हैं, तो ये गाय यात्रा जो है नेपाल में मनाया जाता है, तो आंसर है नेपाल। एक इंद्र यात्रा भी काफी आता है एग्जाम में, इंद्र यात्रा जो त्यौहार है वो भी आप याद रख सकते हैं, ये भी नेपाल का त्यौहार है। प्राइमेट वैज्ञानिक जो होते हैं, प्राइमेट वैज्ञानिक मतलब जो बंदर और बंदर जैसे जो एप होते हैं या चिंपैंजी वगैरह, इन पर रिसर्च करते हैं उन्हें प्राइमेट बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि होलोंग पार गिबन अभ्यारण्य जो है, यानी गिबन सेंचुरी है ये होलोंग पार, वहां पे एक रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया है 1.65 किलोमीटर का, जिसने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दो भागों में बांट दिया है। तो मान लेते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये जो है वो एक रेलवे लाइन बिछा दी गई है इसके बीच में से, ये जानवरों के लिए ठीक नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि आप ऐसा मत करिए और मार्ग बदल दीजिए, ऐसा कुछ करिए कि रेल यहाँ से पास ना हो, क्योंकि रेल से टकरा के गिबन वगैरह मर सकते हैं, रेल की आवाज़ से जो जानवर है उन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो कहाँ है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? होलोंग पार गिबन सेंचुरी, ये जोरहट जिले में है और जोरहट जिला जो है वो असम में है, तो आंसर है असम। और IUCN स्टेटस क्या है इनका? एंडेंजर्ड। तो हुलोक गिबन भारत में एंडेंजर्ड है, ये एक ही तरह के एप हैं जो भारत में पाए जाते हैं, राइट। और दुनिया में लगभग 20 तरह के गिबन पाए जाते हैं, गिबन बंदर जैसे जानवर होते हैं, लेकिन 20 में से बस एक ही भारत में मिलता है, वो है हुलोक गिबन। हुलोक गिबन अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, पहले अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल मिथुन होता था, लेकिन वहां की सरकार ने फिर हुलोक गिबन को अपना स्टेट एनिमल बना लिया था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर एक पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ? क्लाइमेट फुटबॉल कप। क्लाइमेट फुटबॉल कप कहाँ हो रहा है? ये लद्दाख में लेह जिले में हो रहा है। लेह जिले में एक जगह है स्पितुक, वहां पे स्टेडियम है जिसका नाम है ओपन स्टेडियम, 11,000 फीट की ऊंचाई पे है, वहां पे ये हो रहा है। इसकी खास बात क्या है, क्लाइमेट फुटबॉल कप क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि इसमें कोई पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होगा, पहली बात तो जीरो पॉलीथीन टूर्नामेंट है, और मिनिमल वेस्ट फुटबॉल इवेंट है ये, मतलब अगर कोई वेस्टेज थोड़ा बहुत भी होगा तो बहुत ही मिनिमल, ना के बराबर, इस तरह का ये टूर्नामेंट हो रहा है। 1-7 सितंबर 2023 को हुआ ये, तो लद्दाख के लेह में ये आयोजित किया गया। इज दैट क्लियर? तो ये ओपन स्टेडियम जो है 30,000 लोग बैठ सकते हैं इसमें, और खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया था ये ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लद्दाख में। लद्दाख में सड़क भी बनी है सबसे ऊंची, 19,400 फीट की ऊंचाई पे, क्या नाम है इसका? ये मिगला पास से होके जाएगी लिकारू मिगला फुकचे, और ये फुकचे नाम की जो जगह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, तो उमलिंगला पास को पीछे छोड़ दिया है। ये 64 किलोमीटर लंबी सड़क है, लिकारू मिगला फुकचे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, लद्दाख में बनी है। और लद्दाख में अग्नेस्त्र वन नाम का अभ्यास भी इंडियन आर्मी ने किया था। कौन सी एक किताब है जो NCERT ने यूनेस्को की मदद से लॉन्च करी है? तो ये कॉमिक बुक है, इसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, आओ आगे बढ़ें, आओ आगे बढ़ें, ठीक है।
तो ये क्या करेगी, इसमें स्वास्थ्य की बात की है, बच्चों के लिए स्वास्थ्य 11 चीजों की, 11 थीम है इसके, 11 चीजों पे बात की गई है, जैसे मेंटल हेल्थ पे बात की गई है, ड्रग्स नहीं लेने हैं उस पर बात की गई है, या सेक्सुअल हेल्थ पे बात की गई है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, इंटरनेट सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। और ये किताब कई भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, अलग अलग जो भाषाएं हैं, टोटल 11 भाषाएं हैं जिसमें ये अवेलेबल है। इसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। ये उसको आगे बढ़ाएगी, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। कब लॉन्च किया था ये? ये लॉन्च किया था 2018 में, आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही आता है ये। तो हमें स्कूल में भी हेल्थ और वेलनेस पे ध्यान देना है। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इनकी 5वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ पे हुई? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन COP 21 जब हुआ था ना पेरिस में 2015 में, वहां पे बनाया था प्रधानमंत्री मोदी, और उस समय जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांसवा होलैंड, उन्होंने शुरू किया था। तो COP 21 पेरिस में बना था, 2000 जो COP 21 हुआ था ना पेरिस, वहां पे बना था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ग्वाल पहाड़ी करके एक जगह आती है, गुड़गांव से जब आप फरीदाबाद जाएंगे तो बीच में ग्वाल पहाड़ी आता है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इनफैक्ट दो ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, एक तो है CDRI, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको बोलते हैं कोलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रबंधन के लिए है ये। तो रुवांडा की राजधानी किगाली में हुई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की क्षेत्रीय बैठक, 5वीं क्षेत्रीय बैठक यानी 5th रीजनल मीटिंग रुवांडा की राजधानी किगाली में हुई थी। इसमें 36 कंट्रीज ने पार्ट लिया था, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लोकप्रिय होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ना लोकप्रिय हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे सोलोमन द्वीप ने ज्वाइन किया है अभी, सिंगापुर ने किया है। तो अब वो सब याद आपको रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर का कंट्री था जिसने ज्वाइन किया, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इन जनरल याद रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसको बहुत सारे कंट्री ज्वाइन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता, जिसे UN बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, इनका सम्मेलन भी होता है जिसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD, जिसकी 16वीं बैठक COP 16 टर्की में होगी 2024 में। ठीक है, जैव विविधता किसे बोलते हैं? फ्लोरा और फोना, फ्लोरा मतलब पौधे और फोना मतलब जंतु, लेकिन अब एक नया शब्द जोड़ दिया जाएगा कवक यानी फंगस के लिए, और वो होगा फंगा। तो जब भी हम बोलते हैं फ्लोरा और फोना, साथ में अब फंगा भी बोलेंगे, क्योंकि फंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंगा क्या होते हैं? जैसे आप मशरूम खाते हो तो मशरूम फंगस, अगार्किस बोलते हैं, वो एक फंगस है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। देखो कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते फंगस, ये दूसरे से भोजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रेड लो और ब्रेड को अपने कमरे में रख दो, 10 दिन बाद देखना उस पर आपको रुए रुए से नजर आएंगे, वो फंगस है। तो ब्रेड पे फंगस उग गई, तो ये डिफरेंस होता है फंगस में और एल्गे में। एल्गे अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए एल्गे और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी देखी जाती है कई बार। तो फंगस जो होता है ना वो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करता है, जलवायु परिवर्तन जो है उसे रोकने में हेल्प करता है। तो ये सब काम जो है वो उसका होता है। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। फ्लोरा फोना के अलावा अब फंगा भी एक वर्ड है जो जो होगा। ठीक है, फ्लोरा फोना फंगा, अब बेसिकली हम एक साथ बोला करेंगे उसे, राइट? एक साथ बोला करेंगे, राइट? और किसका कॉप आपको याद रखना है? आप UNCCD का भी कॉप याद रख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। इनका COP 16 कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा 2024 में। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने कार मुक्त मंगलवार की घोषणा करी है? मंगलवार को जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो साइकिल पे अपनी ऑफिस जाएंगे, और इन्होंने करनाल से ये लॉन्च करा। तो ये है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा में अब जो सरकारी अधिकारी हैं हर मंगलवार साइकिल से, उन्हें अपनी गाड़ी बायकॉट करनी होगी एक दिन के लिए, और वो यहाँ पे जाया करेंगे ऑफिस अपने साइकिल से जाया करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हरियाणा आंसर है। अभी अभी भारत ने कौन सी टीम को हराकर पहला पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जीता जिसमें एक टीम में 5 खिलाड़ी थे? देखो हॉकी में वैसे तो 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, लेकिन एक नए तरह का हॉकी आ गया है जो काफी रोमांचक है, क्योंकि खिलाड़ी कम है तो गोल ज्यादा होते हैं, तो और रोमांच बढ़ता है। जैसे T20 था ना, जब 50 वाला बोरिंग होने लगा तो T20 आ गया, ऐसे ही 11 खिलाड़ी की बजाय 5-a-side एशिया कप हुआ था पुरुषों का, भारत ने पाकिस्तान को हराया और ये टूर्नामेंट जीत लिया, और एशिया कप जीत के भारत अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया, 5-a-side वर्ल्ड कप जो ओमान में होगा।
और ये जो एशिया कप हुआ था ये भी ओमान में हुआ था, ओमान में एक शहर है सलाला, वहां पे हुआ था। तो हमने ओमान के सलाला शहर में जो एशिया कप है उसको जीत लिया, और जो वर्ल्ड कप होगा 2024 में ओमान में उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो महिलाओं का टूर्नामेंट हुआ था यही फाइव अ साइड, वो भी इंडिया ने जीता था, इंडिया ने थाईलैंड को हराया था 7-2 से। और महिलाओं वाला जो वर्ल्ड कप होगा फाइव अ साइड, वो भी ओमान में होगा 2024 में, तो उसके लिए हमारी दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। भारत की प्रसिद्ध सर्जिकल रोबोटिक कंपनी है SS इनोवेशन, इन्होंने मून मैन ऑफ इंडिया, भारत का चांद मानव बोलने वाले बोला जाता है किस व्यक्ति को, उनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर का पद दिया है, निदेशक बनाया है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है मायल स्वामी अन्ना दुरई, मायल स्वामी अन्ना दुरई। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो मिशन हुए थे उनमें ये काफी बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया था, तो इन्हें मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें पद्मश्री भी मिला था 2016 में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था मूविंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स, मूविंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये था इसका थीम। और उन्होंने कई बातें कही यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2014 में भारत में 74 एयरपोर्ट थे, अब उनकी संख्या 2023 में बढ़ के 148 हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 400 प्लेन थे 2014 में, अब उनकी संख्या बढ़ के 700 हो गई है, राइट। इस तरह की बातें की, उड़ान योजना की तारीफ की। अभी उड़ान योजना के तहत एक नया एयरपोर्ट भी बना है, उत्कला एयरपोर्ट, ये कालाहांडी में बना है उड़ीसा में, नया एयरपोर्ट है एकदम ब्रांड न्यू उत्कला एयरपोर्ट। कौन से राज्य की सरकार ने ट्रांस हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन नावी मुंबई को जोड़ती है किससे? ठाणे से। तो यहां पे दीघा गांव रेलवे स्टेशन का एक नया रेलवे स्टेशन बना है, इसका नाम पहले दीघा रेलवे स्टेशन रखने वाले थे, पर वहां के स्थानीय लोगों ने कहा नहीं इसका नाम होना चाहिए दीघा गांव रेलवे स्टेशन, तो अब इसका नाम बदलकर दीघा गांव रेलवे स्टेशन हो गया है। ये सेंट्रल रेलवे के अधीन आता है, मध्य रेलवे के अधीन आता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में यही मुंबई में एक बायकलर रेलवे स्टेशन है, जिसको यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड देकर सम्मानित किया है। ये वैसे दीघा गांव रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये एरोली करके जगह आती है नावी मुंबई में, एरोली नावी मुंबई, वहां पे है दीघा गांव रेलवे स्टेशन। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करा रहा है, यानी रेफरेंडम करा रहा है? 17 मिलियन लोग वोट डालेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें मान्यता देनी चाहिए या नहीं, खास तौर पे वो लोग जो टॉरेस स्ट्रेट के आसपास रहते हैं, टॉरेस स्ट्रेट जो है उसके आसपास रहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो टॉरेस स्ट्रेट है वो कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया को किससे अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया को वो अलग करता है, याद रखिए, न्यू गिनी से। ऑस्ट्रेलिया को वो न्यू गिनी से अलग करता है, तो उसे बोलते हैं टॉरेस स्ट्रेट, राइट। पपुआ न्यू गिनी है ना जो, उससे अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में आता है टॉरेस स्ट्रेट, तो वहां पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स में बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या उनको मान्यता मिलनी चाहिए जो मूल निवासी हैं? और ऑस्ट्रेलिया मूल निवासियों की काफी इज्जत करता है। एक ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड है बहुत बड़ा, फ्रेजर आइलैंड, इसका नाम बदल के कगारी कर दिया इन्होंने, कगारी, क्योंकि अगेन इंडिजिनस लोगों को सम्मानित करने के लिए। क्या ऑस्ट्रेलिया में क्वेड समिट हुआ था इस साल? होने वाला था, नहीं हुआ। कहाँ हुआ फिर? हिरोशिमा में हुआ, होने वाला तो ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेड नहीं हुआ, लेकिन क्वेड का मालाबार एक्सरसाइज हो गया ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में हुआ, ठीक है। दो जहाज गए थे, INS सह्याद्री और INS कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया कप का मेजबान है, जिसमें कुल 6 प्रतिभागी हैं? एशिया कप इस बार 2 देशों में हुआ, श्रीलंका और पाकिस्तान, राइट। एशिया कप हुआ, अब तो खैर इंडिया ने जीत लिया, मोहम्मद सिराज की तारीफ आपने सुनी ली होगी बहुत ज्यादा, और 8वीं बार भारत ने एशिया कप जो है वो जीता है, राइट। ये 16वीं बार एशिया कप हुआ था, 8 बार भारत ने जीता है, और श्रीलंका ने पिछली बार जीता था लेकिन इस बार इंडिया ने जीता, श्रीलंका को रौंद दिया। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? कुलदीप यादव, ये रहे मैन ऑफ द सीरीज। सबसे ज्यादा रन बनाए शुभम गिल ने 302, और सबसे ज्यादा विकेट लिए मथीशा पथिराना ने 11 विकेट लिए, श्रीलंका के बॉलर हैं मथीशा पथिराना, राइट। तो बस इतना आप जान लो, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अब सारी नजरें वर्ल्ड कप पे होंगी। अगस्त के महीने में 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए UPI पे, सबसे अव्वल कौन रहा?
तो उसमें 47% से ज्यादा ट्रांजेक्शन फोन पे पे हुए, तो फोन पे आंसर है। फोन पे कंपनी के सीईओ है समीर निगम, फोन पे की ओनर है वॉलमार्ट और फोन पे ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है ई कॉमर्स की पिन कोड। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड दिए गए अभी अभी, इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया? स्मार्ट सिटीज कितने बन रहे हैं भारत में पता है आपको? देखो भारत में स्मार्ट सिटी योजना पहली बात तो शुरू कब हुई थी ये पता होना चाहिए आपको। तो भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 को और इसे चला रहा है हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। भारत में 100 स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा, राइट, मध्य प्रदेश नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2 पे रहा और राजस्थान और यूपी संयुक्त रूप से 3rd नंबर पे रहे, संयुक्त रूप से जॉइंट 3rd। अब शहरों की बात करें तो इंदौर भारत में सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी है, इंदौर नंबर 1 पे रहा शहरों में, सूरत नंबर 2 पे रहा और आगरा नंबर 3 पे रहा। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ जो है वो नंबर 1 पे रहा। तो हर कैटेगरी के जो विनर हैं वो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इंदौर नंबर 1, सूरत नंबर 2, आगरा नंबर 3। इसके अलावा कुछ अलग अलग कैटेगरी थे, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सैनिटेशन में नंबर 1 कौन था, तो इंदौर नंबर 1 था स्वच्छता में, सैनिटेशन में भी नंबर 1 था। अगर पूछें गतिशीलता में, मोबिलिटी में और गवर्नेंस में, गतिशीलता और गवर्नेंस दोनों में चंडीगढ़ नंबर 1 था। ऐसे ही पूछें इकोनॉमी में नंबर 1 कौन था, तो जबलपुर इकोनॉमी कैटेगरी में नंबर 1 था। कल्चर में अहमदाबाद नंबर 1 था, राइट, एनवायरमेंट में कोयम्बटूर नंबर 1 था। तो अलग अलग, लेकिन मेरे को लगता है उतना डीप जाने की जरूरत है आपको, बस आप इतना याद रख लीजिए कि ओवरऑल नंबर 1 कौन थे, मध्य प्रदेश, इंदौर और चंडीगढ़ अपनी अपनी कैटेगरी में। 100 स्मार्ट सिटी हमें बनाने हैं 25 जून 2015, कौन से मंत्रालय ने अवार्ड दिए, मिनिस्ट्री हाउसिंग अर्बन अफेयर, 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन भारत में लागू हुआ था। कौन सा शहर 2024 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी डिक्लेयर किया गया है, ये है फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग, फ्रांस जर्मनी बॉर्डर पे आता है लेकिन फ्रांस में है ये। और 2023 यानी इस साल कौन सी है यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी, तो इस साल यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी है घाना की राजधानी आकरा 2023 के लिए, और 2024 के लिए होगी फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग। ये था हमारा वीडियो 3 सितंबर का, मिलते हैं 4 सितंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।